आपका क्वेश्चन है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। नाउ तो सबसे पहले हमको ये क्या समझना है, इसने क्या कहा? इसने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर कैसा होता है? आपका फुल सॉलिड इज देयर, दैट मीन्स क्या होगा आपका, देखो लाइक दिस सॉलिड इसने बोला है, उसका मतलब क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया आउटर वाला प्लस सर्कल, दैट मीन्स आपका क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि इसने सॉलिड बोला है या हॉलो बोला है। नाउ अब देखो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू डालो, 3 × 22/7 × r² दैट इज इक्वल टू 462 दे हैव गिवन यू, है ना। नाउ तो आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 7 ईयर, और नीचे आ जाएगा 3 × 22। नाउ 2 से कट करते हैं इसको, तो देखो क्या आ रहा है, 11, और ये आ गया आपका 231। तो 231 11 से कट रहा है, तो देखो कट किया हमने तो क्या आ गया आपका 21 21, और 3 भी कट रहा है तो 3 कट कर दिया, ये आपका आ गया 7। तो नाउ वी कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, तो आर कितना हो गया, रूट ओवर दिस, दैट मीन 7 सेंटीमीटर। तो आर इज 7। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो हम लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 πr³। तो इसके अंदर वैल्यू डालो, देखो क्या आ रहा है आपका, 2/3 × 22/7 × r³, दैट मीन 7 × 7 × 7। नाउ 7 को कट करो तो क्या आ गया, देखो 44 × 7 × 7/3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है आपका, 28 2 कैरी 30, 308 × 7/3, अगेन 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2156/3 सेंटीमीटर³। तो हो सकता है आपकी वैल्यू ये हो, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स अ 7 126, दैट मीन्स 8 × 0.66, और यू कैन से 7 718.67, है ना, 66 आते जाएगा तो 67 सेंटीमीटर क्यूब। तो दीस आर योर आंसर्स। ठीक है,